नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि बहुपद का टॉपिक चल रहा था उसका आज का अपना क्या है, चौथा क्लास है। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो ऊपर से उनको क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में ये सबसे पहले तीन फॉर्मूले हैं। ये तीन फॉर्मूले अपने को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये तीन फॉर्मूले अपने को याद होंगे तो इन तीन फॉर्मूलों के आधार पर हम क्या करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अपने पास में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर अपने पास में कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा। एल्फा प्लस एल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब अपने पास में कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा। और एल्फा माइनस बीटा अपने पास में कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 एल्फा बीटा इस पूरे का रूट। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो आपको क्या होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा क्वेश्चन करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। कुछ जैसे ये क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है, इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और वैल्यू क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अगर अपने को इसका फॉर्मूला पता होगा तो हम इसको आसानी से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो अपने को ये बहुपद दिया गया है, इसके लिए अपने को एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, बहुपद ये दिया गया है उसमें अपने पास शून्यांक क्या है, एल्फा और बीटा है। तो अपने को एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योग सबसे पहले क्या करना है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांक अपने पास में क्या है, एल्फा प्लस बीटा, इनका योग एल्फा प्लस बीटा का योग। ये अपने पास में कितना होता है शून्यांकों का योग, फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। बी अप ए अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी अपने पास में क्या है, एक्स का गुणांक, बी अपने पास में क्या है, एक्स का गुणांक। तो अपने पास में क्या होगा, शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा अपने पास में क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए अपने पास में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी अपने पास में क्या होगा, एक्स का गुणांक। और अपने पास में शून्यांकों का गुणा अगले स्टेप में क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन। ये अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, सी अपोन ए, सी अपने पास में क्या होता है, अचर, सी अपने पास में क्या होता है, अचर होता है। तो शून्यांकों का गुणा सी अपोन ए, यानी कि अपने पास में शून्यांकों का गुणा एल्फा और बीटा, ये होगा शून्यांकों का गुणा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, बी अपोन ए, तो माइनस का बी, बी क्या है, अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक कितना है, सात, सात अपोन में ए, ए यानी कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर गुणांक कितना है, 2। तो अपने पास में क्या होगा, शून्यांकों का योग कितना हो गया, माइनस का 7/2। शून्यांकों का गुणा ये अपने पास में कितना होगा, सी अपोन ए, सी अपने पास में क्या, अचर राशि, अचर कितना है, 1, 1 अपोन ए, ए अपने पास में क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये अपने पास में कितना है, 2। ये होगा अपने पास में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। अपने को ज्ञात क्या करना है, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात करना है, एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये अपने को याद करना है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही रहा, ये होता है अपने पास में एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा। वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं तो अपने पास में क्या होगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग ये कितना है अपने पास में, माइनस का 7/2 इसका स्क्वायर है अपने पास में, माइनस का 2। एल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणनफल ये कितना है, 1/2, 1/2 ये है अपने पास में। आगे सोल्व करें तो अपने पास में क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अपने पास में कितना होगा, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा अपने पास में। ये वैल्यू किस, ये साइन किसका अपने पास में, साइन अपने पास माइनस का है, 2 से 2 अपने पास में कटेगा तो अपने पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा 1, इस 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, 4 अपने पास में क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 4 से 4 कटेगा तो ये कितना होगा, 49 माइनस 4 को 1 से गुणा करो 4, और 4 एकम 4 तो 4। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितना आएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49 माइनस 4 45/4, ये अपने पास क्या होगा,
इसके लिए आंसर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा अपने पास में 45/4। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अपने को दिया गया बहुपद 5x² - 3x - 2 के शून्यांकों एल्फा और बीटा हो, के शून्यांक एल्फा और बीटा हो, तो एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एल्फा माइनस बीटा के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये होता है अपने पास में एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4α β, ये होता है अपने पास में। तो बहुपद अपने पास में ये है, शून्यांक एल्फा और बीटा है, तो अपने को एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सबसे पहले अपने पास में a बराबर क्या होगा, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 5। b बराबर अपने पास में क्या होगा, अक्ष का गुणांक अपने पास कितना है -3। और c बराबर अपने पास में क्या होगा, अचर राशि अपने पास में क्या है -2। ये अपने पास में है। अब अपने को क्या करना है, एल्फा और माइनस बीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग, पहले स्टेप में क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, ये अपने पास में क्या होगा, -b/a होगा अपने पास में, बराबर बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू अपने पास में है -3, तो ये माइनस का चिन्ह, बी का वैल्यू कितना है -3/a, ए का वैल्यू अपने पास में कितना है 5, तो ये अपने पास में कितना है 5, बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये कितना होगा 3/5 होगा अपने पास में शून्यांकों का योग। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, शून्यांकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू अपने पास में कितना होगा 3/5। अगले स्टेप में क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, अगले स्टेप में करते हैं शून्यांकों का गुणन अपने पास में कितना होता है c/a, ये अपने पास में होता है c/a, तो c का वैल्यू अपने पास में कितना है -2 -2/a, a का वैल्यू अपने पास में कितना है 5 है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा 2/5 योगा अपने पास में। अपने को वैल्यू किसका ज्ञात करना है, एल्फा माइनस बीटा का, तो अपने पास में एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है रूट में एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4α β, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है एल्फा माइनस बीटा के लिए, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में मान रखते हैं शून्यांकों को गुणा यानी एल्फा और बीटा, ये अपने पास में क्या एल्फा बीटा है, तो यहाँ से एल्फा माइनस बीटा अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रूट एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा कितना है शून्यांकों का योग 3/5, ये अपने पास में है 3/5 इसका स्क्वायर -4। एल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणा अपने पास में कितना है -2/5 ये अपने पास में। आगे इसको सोल्व करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा 25 होगा अपने पास में। माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8/5 ये होगा अपने पास में। आगे इसको सोल्व करें तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा 25 अपने पास में एलसीएम आएगा 25 से 25 कटेगा तो यहाँ 9 बचेगा प्लस 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा और 5 को 8 से गुणा करेंगे 5 × 40 होगा अपने पास में। तो ये अपने पास में होगा रूट का 49/25 तो वैल्यू कितना आएगा, 49 का अपने पास कितना होगा 7/5 ये अपने पास में क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा 7/5 ये अपना पास इसका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें अपने को बहुपद दिया गया है और अपने को क्या दिया गया है, शून्यांक अपने पास एल्फा और बीटा है, तो अपने को एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन सबसे पहले अपने पास क्या दिया गया, अपने को वैल्यू किसका ज्ञात करना है, अपने को वैल्यू ज्ञात करना है एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस एल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस टर्म में से क्या करते हैं, एल्फा को बाहर लेते हैं, इसमें से एल्फा और बीटा को बाहर लेते हैं, तो अपने पास में यह क्या बचता है, यहाँ अपने पास में एल्फा बचता है एल्फा प्लस, इसमें से एल्फा और बीटा को बाहर लेते हैं तो अपने पास में क्या बचता है, बीटा बचता है क्या, बीटा बचता है। तो यानी कि ये अपने पास इसके बराबर है, ये संख्या इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है,
तो अपने को क्या करना है, इसका वैल्यू याद करना है। क्या याद करना है, अल्फा और बीटा अपने पास क्या है, शून्यांकों का गुणा। और अल्फा और बीटा अपने पास में क्या, शून्यांकों का गुणा। और अल्फा प्लस बीटा अपने पास में क्या, शून्यांकों का योग। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, शून्यांकों का योग। पहले स्टेप में करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अपने पास में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास में क्या है, शून्यांकों का योग है। तो शून्यांकों का योग अपने पास में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है माइनस का बी अपॉन ए। शून्यांकों के योग के लिए फॉर्मूला होता है, बी अपने पास में क्या होता है, एक्स। ए अपने पास में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी अपने पास में क्या होता है, एक्स का गुणांक। तो अपने पास में यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में होगा माइनस का बी। बी अपने पास में यहाँ से अपने पास में इस फॉर्मूले में अपने पास में ए बराबर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अपने पास में है माइनस का पाँच। बी बराबर होगा एक्स का गुणांक, ये अपने पास में है तीन। सी बराबर अपने पास में होगा अचर, अचर अपने पास में क्या है, चार, चार है अपने पास में। तो अपने पास में माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का चिन्ह, बी का वैल्यू कितना है अपने पास में, तीन, अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है, माइनस का पाँच। तो ये अपने पास में क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये होगा अपने पास में तीन बट्टा पाँच। शून्यांकों का योग अपने को और क्या याद करना, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन क्या होगा, अल्फा और बीटा, गुणन क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला अपने पास में होता है सी अपॉन ए होता है। सी का वैल्यू अपने पास कितना है, सी का वैल्यू अपने पास में है चार, चार बट्टा ए, ए का वैल्यू अपने पास कितना है, माइनस का पाँच है, क्या माइनस का पाँच। तो शून्यांकों का गुणा अपने पास में कितना है, माइनस का चार बटा पाँच। शून्यांकों का योग कितना है, तीन बटा पाँच। अपने को वैल्यू किसका याद करना है, इस टर्म का वैल्यू याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर अपने पास में कितना होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, चार बट्टा माइनस का पाँच है अपने पास में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में कितना है, तीन बट्टा पाँच, तीन बट्टा पाँच है क्या अपने पास में, है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, चार ती बारह, बारह बट्टा पचम पच्चीस, पच्चीस है क्या, पच्चीस, चिन्ह किसका, माइनस का। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, इस मान के लिए आंसर हो जाएगा। तो अपने पास में ये क्या होगा, इसका आंसर होगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल अपने पास में क्या होगा, माइनस का बारह बटा पच्चीस, ये अपने पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, इसमें अपने को बहुपद दिया गया है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है, सॉल्यूशन क्या होगा, बहुपद में अपने पास में ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, और सी बराबर क्या होगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। ए बराबर अपने पास में होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, माइनस है, तो ये माइनस का एक है, माइनस का एक। बी बराबर होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, पाँच, तो पाँच। सी, सी बराबर अपने पास में होता है अचर, अचर अपने पास में कितना है, माइनस का तीन, माइनस का तीन है अपने पास में। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अपने को याद करना है। इसके लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये अपने पास में होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब होता है अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का थ्री अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये होगा अपने पास में फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ये होगा। तो इसमें अपने को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, अल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणा याद करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ये अपने पास में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में क्या होता है, शून्यांकों का योग, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, पाँच, तो पाँच अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है, माइनस का एक। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, पाँच एक में पाँच का भाग देंगे तो पाँच बचेगा, तो शून्यांकों का योग कितना हो गया, पाँच। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणन, ये अपने पास में क्या होगा, सी अपॉन ए होगा, क्या सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना अपने पास में, सी का वैल्यू अपने पास में है माइनस का तीन अपॉन ए, ए का वैल्यू अपने पास कितना है, माइनस का एक। तो माइनस से माइनस कटेगा तो वैल्यू कितना होगा, शून्यांकों का गुणन अपने पास में तीन होगा, तीन होगा। आगे अपने को माइनस का ज्ञात करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
तो इस फॉर्मूले में मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में कितना है 5, तो इस 5 का क्यूब माइनस 3, अल्फा और बीटा गुणनफल अपने पास में क्या होगा अल्फा बीटा होगा, अल्फा और बीटा अपने पास में कितना है 3, तो ये अपने पास में 3, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग ये अपने पास में कितना है 5, ये अपने पास में है 5। सोल्व करते हैं आगे इसको, तो यहाँ से अपने पास में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 5 का क्यूब 125 हो गया, 125 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45, तो माइनस का क्या होगा 45, तो यहाँ से अपने पास में होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 125 माइनस 45 अपने पास में कितना होगा 80, 80 अपने इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6, उसमें अपने पास बहुपद दिया गया है कि शून्यांक अपने पास में अल्फा और बीटा है, तो अपने को अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान क्या करना है ज्ञात करना है, तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा और बीटा अपने पास में क्या शून्यांक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे, तो अपने पास में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपने पास में कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में कितना होगा माइनस का बी अपॉन ए होगा, माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पे अपने पास में ए बराबर कितना होगा, ए बराबर अपने पास में होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक 3, बी बराबर अपने पास में क्या होगा माइनस का 4, सी बराबर अपने पास कितना होगा माइनस का 1 होगा, अपने पास में शून्यांकों का योग कितना होगा माइनस का बी अपॉन ए, तो बी अपने पास में क्या होगा अक्ष का गुणांक, तो ये माइनस बी बराबर अपने पास में कितना है माइनस का 4 अपॉन में ए, ए का वैल्यू अपने पास में कितना है 3, तो यहाँ से अपने पास में अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग कितना होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 4/3 होगा अपने पास में शून्यांकों का योग। अगले स्टेप में क्या करेंगे शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणन अल्फा और बीटा, ये अपने पास में क्या होता है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना है सी का वैल्यू माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 अपॉन में 1 का वैल्यू कितना है अपने पास में 3 है, 3, तो अपने पास में शून्यांकों का गुणा कितना हो गया माइनस का 1/3। ज्ञात क्या करना है अपने को, अपने को ज्ञात करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम अपने पास में क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो अपने पास में बीटा बचेगा प्लस, यहाँ बीटा से बीटा कटेगा तो अपने पास में अल्फा बचेगा, बचेगा अपने पास में अल्फा, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, इसका वैल्यू अपने पास में कितना है, इसका वैल्यू अपने पास में है 4/3 है अपने पास में अपॉन में अल्फा गुणा बीटा शून्यांकों का गुणा, ये अपने पास में कितना है माइनस का 1/3 है अपने पास में, तो ये अपने पास में 3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 अपने पास 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका वैल्यू कितना होगा माइनस का 4 होगा। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को बहुपद दिया गया है अल्फा और बीटा इसके शून्यांक है, तो अपने को 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का अल्फा बीटा का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ए बराबर क्या होगा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, बी बराबर क्या होगा अपने पास में अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक कितना है अपने पास में 5, सी अपने पास में क्या होगा अचर राशि होगी, अचर अपने पास में यह कितना है माइनस का 4, माइनस का 4, ए बी सी का वैल्यू याद हो गया। आगे अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं शून्यांकों का योग, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपने पास में कितना होगा माइनस का बी अपॉन ए, शून्यांकों का योग यानी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है अपने पास में 5, अपॉन ए का वैल्यू अपने पास में कितना है, ए का वैल्यू अपने पास में 2 है, तो अपने पास में 2, शून्यांकों का योग कितना हो गया माइनस का 5/2। अगले स्टेप में क्या करते हैं शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन अपने पास में क्या होगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए अपने पास में होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा सी का वैल्यू कितना अपने पास में माइनस का 4 अपॉन ए, ए का वैल्यू अपने पास में कितना है 2,
तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा माइनस का दो, शून्यांकों का गुणा कितना होगा माइनस का दो, शून्यांकों का योग कितना होगा माइनस का पाँच बट्टा दो। अपने को वैल्यू इसका फाइंड करना है, वैल्यू याद करना अपने को, वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस का एल्फा और बीटा याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा एल्फा और बीटा को क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एल्फा से एल्फा कटेगा बीटा बचेगा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा एल्फा बचेगा, बचेगा माइनस का एल्फा और बीटा, ये अपने पास में होगा। आगे इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास में एल्फा और बीटा आएगा, एल्फा बीटा से एल्फा बीटा कटेगा तो ऊपर बचेगा एल्फा प्लस बीटा, बीटा एल्फा बचेगा माइनस, यहाँ अपने पास में वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में होगा माइनस का एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये अपने पास में होगा, ये होगा, ये होगा अपने पास में। आगे इसको सोल्व करें तो आगे अपने पास में एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा अपने पास में कितना है माइनस का पाँच बट्टा, माइनस का पाँच बट्टा दो है माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि एल्फा और बीटा का स्क्वायर, एल्फा और बीटा का स्क्वायर अपने पास में कितना है माइनस का दो का स्क्वायर, तो माइनस का दो का स्क्वायर अपॉन में एल्फा और बीटा, एल्फा और बीटा अपने पास में कितना है माइनस का दो है अपने पास में, यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा माइनस का पाँच बट्टा दो, माइनस माइनस दो का स्क्वायर कितना होगा चार बट्टा माइनस का दो, तो यहाँ से अपने पास एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अपने पास में आएगा दो, दो से दो कटेगा तो ये अपने पास में माइनस का पाँच, ये माइनस दो एकम दो, दो चौका अपने पास कितना होगा आठ, ये आठ बट्टा माइनस का दो, तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा आठ और पाँच तेरह, माइनस का तेरह बट्टा दो, और ये अपने पास में नीचे क्या है माइनस का दो, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो अपने पास में क्या होगा फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, तो अपने पास में वैल्यू कितना होगा, वैल्यू अपने पास में होगा तेरह बट्टा चार, तेरह बट्टा चार अपने पास क्या होगा इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एट, बहुपद अपने को दिया गया है, शून्यांक अपने पास में एल्फा और बीटा है, अपने को एल्फा क्यूब बीटा प्लस एल्फा बीटा क्यूब का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, वही तरीका अपने पास में होगा सॉल्यूशन, सबसे पहले ए बराबर अपने पास कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का वैल्यू अपने पास में क्या होगा दो, बी अपने पास में क्या होगा एक्स का गुणांक, बी अपने पास में होगा पाँच, सी अपने पास में क्या होगा अचर, अचर अपने पास में क्या होगा माइनस का सात होगा अपने पास में, ए बी और सी का वैल्यू अपने पास में क्या होगा ये होगा। आगे बात करें तो अपने पास में सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग याद करिए पहले स्टेप में, शून्यांकों, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना होगा ये अपने पास में होगा एल्फा प्लस बीटा, ये बराबर क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू अपने पास में है पाँच अपॉन ए का वैल्यू अपने पास में कितना है दो, तो माइनस का पाँच बट्टा दो। अगले स्टेप में क्या करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों, शून्यांकों का गुणन, ये अपने पास में कितना होगा ये अपने पास में होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होगा तो अल्फा बीटा अपने पास में कितना होगा सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना है माइनस का सात और ए, ए का वैल्यू कितना है दो, हो गया अपने पास में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ज्ञात क्या करना अपने को, ज्ञात करना अपने को अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या करते हैं अल्फा को बाहर लेते हैं और क्या करते हैं बीटा को बाहर लेते हैं, अल्फा और बीटा को बाहर लेते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा अल्फा बाहर आएगा बीटा बाहर आएगा तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से अल्फा बाहर आएगा और बीटा बाहर आएगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, बचेगा अपने पास में ये टर्म अपने पास में बचेगा, तो यहाँ से अपने पास में अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास में होता है सूत्र से, सूत्र का यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अपने पास में कितना होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा होता है अपने पास में। वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, ये अपने पास में क्या है सूत्र है, अपने पास में ये क्या होगा फॉर्मूला होता है अपने पास में, ये क्या होता है अपने पास में सूत्र होता है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो अपने पास में क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू अपने पास में क्या ये है, ये अपने पास में क्या है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा,
ये होगा अपने पास में अल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणनफल, ये अपने पास में कितना है माइनस का 7/2। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपने पास में कितना है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 2। अल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा अपने पास में कितना है माइनस का 7/2, यह है अपने पास में। आगे आगे अपने पास में क्या होगा माइनस का 7/2 माइनस का 5/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25/4 होगा, 25/4। यह माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस 2 से 2 कटेगा तो 7 बचेगा, 7/1 ये अपने पास में होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा माइनस का 7/2, यहाँ से अपने पास में एलसीएम आएगा 4, ऊपर कितना बचेगा यहाँ से अपने पास बचेगा 25 प्लस 7 × 7 और 7 × 4 = 28, ये होगा अपने पास में। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू अपने पास में आ जाएगा माइनस का 7/2, 25 और 28 कितना होगा ये अपने पास में होगा 53/4, ये होगा अपने पास में। इसको आगे सॉल्व करें तो वैल्यू कितना होगा, इसको इससे गुणा करो 7 को 53 से गुणा करो, माइनस का 7 या 21, 21 का 1, 7 × 5 = 35, 35 और 2 = 37, 4 × 8 होगा, 4 × 8 तो वैल्यू कितना होगा माइनस का 371/8, ये अपने पास में क्या होगा इसके लिए आंसर होगा। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दिया गया बहुपद दिया गया है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, अपने को अल्फा की पावर 4 बीटा और अल्फा बीटा की पावर 4 का मान क्या करना है याद करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सबसे पहले ए बराबर अपने पास कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1, बी बराबर क्या है अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक कितना है 3, और सी बराबर अचर राशि, अचर अपने पास में क्या है 5 है अपने पास में। सबसे पहले क्या करेंगे शून्यांकों का योग, पहली स्टेप में क्या करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपने पास में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए होगा, माइनस का बी अपॉन ए बराबर माइनस का चिन्ह, बी का वैल्यू कितना है 3 और ए का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो अपने पास मान कितना होगा 3 होगा शून्यांकों का योग। आगे अपने पास में शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन अपने पास में कितना होगा सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू अपने पास में है 5 अपॉन ए का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो अपने पास वैल्यू कितना होगा माइनस का 5 होगा। शून्यांकों का योग अपने पास में 3 होगा, शून्यांकों का गुणा अपने पास में माइनस का 5 होगा। आगे अपने को वैल्यू किसका ज्ञात करना है, वैल्यू अपने को ज्ञात करना है अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 4, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या करते हैं अल्फा को और बीटा को बाहर लेते हैं, तो अपने पास में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा अपने पास में अल्फा क्यूब बचेगा, अल्फा क्यूब अल्फा बाहर आ जाएगा बीटा बाहर आ जाएगा, तो इसमें अपने पास में अल्फा क्यूब बचेगा प्लस इसमें से अल्फा बाहर आएगा बीटा बाहर आएगा, तो बीटा का क्या बचेगा क्यूब बचेगा, बचेगा बीटा का क्यूब। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब के लिए अपने पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, सूत्र अपने पास में क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अपने पास में होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का मान उठा के यहाँ रखते हैं, तो अपने पास में अल्फा बीटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू है, ये उठा के यहाँ रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में होगा। अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा अपने पास में ये क्या है अल्फा बीटा, इसका वैल्यू कितना है माइनस का 5, तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 5। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में कितना शून्यांकों का योग 3, तो ये अपने पास में 3 का क्यूब माइनस 3। अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणा माइनस का 5, माइनस का 5। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग,
ये अपने पास में कितना है, तीन, तीन है अपने पास में। आगे ये माइनस का पाँच, तीन का क्यूब, तीन तीन नौ नौती सत्ताईस, माइनस 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 क्या होगा प्लस, तीन पंजे पंद्रह, पंद्रह ती पैंतालीस होगा अपने पास में, पैंतालीस। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का पाँच, ये कितना होगा पैंतालीस और सत्ताईस, पचास, साठ, सत्तर और दो कितना होगा बहत्तर, होगा बहत्तर बराबर कितना होगा माइनस पाँच दूनी दस, पाँच सात पैंतीस और एक छत्तीस, माइनस का तीन सौ साठ अपना क्या होगा इसके लिए आंसर होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की पावर फोर बीटा और अल्फा की पावर बीटा फोर याद कर सकते हैं। इसमें अपने को ये सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र अपने को याद होंगे तो हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे और क्या कर देंगे आंसर फाइनल कर देंगे। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, उसमें अपने पास में बहुपद दिया गया है, उसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, अपने को वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है याद करना है। तो सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सोल्यूशन सोल्यूशन अपने के लिए अपने पास वही मेथड होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद में ए बी और सी का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए बराबर अपने पास में क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा अपने पास में एक होगा। और बी बराबर अपने पास में क्या होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है माइनस का सात। और सी बराबर क्या होगा अचर पद होगा, कोई अचर पद अपने पास में क्या होगा तीन होगा, होगा अपने पास में तीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, पहले टर्म में क्या याद करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपने पास में क्या होगा, शून्यांकों का योग अपने पास में होगा अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में होगा माइनस का बी अपॉन ए होगा। तो ये माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का सात, बी का वैल्यू अपने पास में है माइनस का सात अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है एक। तो अपने पास में अल्फा और बीटा शून्यांकों का योग कितना होगा माइनस का सात, माइनस का सात होगा। अगली टर्म में क्या करते हैं शून्यांकों का गुणनफल याद करते हैं, अगली टर्म में याद करते हैं शून्यांकों का गुणन, ये अपने पास में क्या होगा अल्फा बीटा, शून्यांक का गुणन कितना होगा अल्फा बीटा, ये अपने पास में कितना होगा सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा अपने पास में कितना होगा सी, सी का वैल्यू कितना है तीन अपॉन ए का वैल्यू कितना है एक, तो वैल्यू कितना होगा तीन होगा अपने पास में। अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अपने को करना है वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। सही, इसमें से क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अपने पास में क्या होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटेगा बीटा स्क्वायर बचेगा, प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा अल्फा स्क्वायर बचेगा, बचेगा अपने पास में, ये अपने पास में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसके लिए सूत्र अपने पास में क्या होता है फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा, ये अपने पास में क्या होता है सूत्र होता है अपॉन में, इसको क्या ले सकते हैं अल्फा और बीटा इसका एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर शून्यांकों का योग माइनस का सात, तो ये माइनस का सात का स्क्वायर माइनस का दो, अल्फा और बीटा शून्यांकों का गुणनफल ये अपने पास में कितना है तीन, ये तीन अपॉन में अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा अपने पास में क्या है शून्यांकों का गुणा तीन, तो तीन का स्क्वायर अपने पास में वैल्यू कितना होगा माइनस का सात का स्क्वायर कितना होगा, सात का स्क्वायर होगा उनचास माइनस दो तिया कितना होगा छः बट्टा तीन का स्क्वायर कितना होगा होगा नौ। यहाँ से अपने पास कितना बचेगा उनचास में से छः जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास तैयारीस बचेगा तैयारीस बट्टा नौ, तो तैयारीस बट्टा नौ अपने पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को दिया गया बहुपद दिया गया है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, अपने को अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो वही मेथड अपने पास में होगा, सॉल्यूशन क्या होगा जो बहुपद दिया गया है उसमें ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अपने पास में ए का वैल्यू कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अपने पास कितना है एक, बी अपने पास में कितना है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है माइनस का पाँच, एक्स का गुणांक कितना है माइनस का पाँच है, सी अपने पास में कितना है चार है, चार होगा सी अपने पास में।
अचर पद चार हो गए। सबसे पहले शून्यांकों का योग, सबसे पहले क्या होगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना होगा, ये अपने पास में होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए होगा अपने पास में। माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस का पाँच, माइनस का पाँच अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है अपने पास में वन। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, ये अपने पास में होगा प्लस का पाँच, होगा प्लस का पाँच शून्यांकों का योग। अगले स्टेप में क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन, शून्यांक का गुणन क्या होगा अल्फा बीटा, ये अपने पास में क्या होगा सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू अपने पास में चार, ए का वैल्यू अपने पास में कितना है एक, एक। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा चार आ जाएगा। शून्यांकों का गुणा कितना आ गया चार आ गया, शून्यांकों का योग कितना आ गया पाँच आ गया। अपने को वैल्यू किसका ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है अपने को अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये अपने को ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से अपने पास में एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, एल बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा और अल्फा क्या होगा अल्फा स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा और बीटा क्या होगा बीटा स्क्वायर होगा, होगा अपने पास में। ये अपने पास में फॉर्मूला बन रहा है, या फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में, ये अपने पास में क्या होगा ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा, ये अपने पास में क्या होता है सूत्र होता है, लिखवा रखा है आपको सूत्र पहले बता रखा है अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब इस सूत्र में मान रखते हैं और इसका वैल्यू याद कर लेते हैं। तो अपने पास में अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है पाँच है, तो पाँच का स्क्वायर माइनस का दो अल्फा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल चार, चार अपॉन अल्फा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है चार, चार। तो यहाँ से अपने पास पाँच का स्क्वायर क्या होगा पच्चीस माइनस दो चौका आठ बट्टा चार, तो यहाँ से कितना होगा पच्चीस में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा सत्रह बचेगा, सत्रह बट्टा चार। तो अपने पास में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू कितना जाएगा सत्रह बटा चार हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर बारह है, इसमें अपने को एक बहुपद दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों का अंतर अपने पास में कितना एक है, तो अपने को पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही मेथड अपने पास में होगा, सॉल्यूशन में अपने पास क्या होगा, जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद में ए बी और सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें अपने पास में ए बराबर क्या होगा, ए बराबर अपने पास में होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर एक है, तो ए का वैल्यू एक हो गया। बी अपने पास में क्या होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है माइनस का पी। सी बराबर अपने पास में क्या होगा, कोई अचर होगा, अचर राशि होगी, अचर अपने पास में क्या है, अचर अपने पास में है क्यू, अपने पास में अचर क्या है क्यू है, ए बी सी का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में कितना होगा माइनस का बी अपॉन ए होगा, होगा माइनस का बी अपॉन ए, तो ये अपने पास में माइनस, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू अपने पास में है माइनस का पी अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है वन, वन है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास में होगा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस, तो अपने पास में पी होगा, शून्यांकों का योग कितना होगा पी होगा। अगली स्टेप में क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का शून्यांक का गुणनफल अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा, ये अपने पास में होगा सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू अपने पास में क्यू है और ए का वैल्यू अपने पास में कितना है एक, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा अल्फा और बीटा, ये अपने पास में क्या होगा क्यू होगा, होगा क्यू, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, ये हो गया अपने पास में। अपने को दिया गया शून्यांकों का अंतर क्या है वन है, तो शून्यांक अपने पास में कितना है अल्फा और बीटा, इनका अंतर यानी माइनस अपने पास कितना है एक है, ये अपने को क्या है दिया है क्वेश्चन में, अपने को दिया गया है कि शून्यांकों का अंतर कितना है एक है। अल्फा माइनस बीटा सूत्र अपने पास में क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा ये अपने पास में होता है रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर
माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये अपने पास में क्या होता है, सूत्र होता है, होता है सूत्र। सूत्र से वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर अपने पास में कितना है, एक, एक है अपने पास में, ये अपने पास में होगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, ये अपने पास में रूट अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है, पी, तो अपने पास में पी इसका क्या है, स्क्वायर, सही है। माइनस ये अपने पास में कितना है, 4। अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, क्यों, तो यहाँ पे रखते हैं क्यों, बराबर अपने पास में कितना है, 1 होगा, 1। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, इधर अपने पास में 1 का स्क्वायर 1 होगा, सही है। तो अपने पास में पी स्क्वायर माइनस 4q का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अपने को यही याद करना है, पी स्क्वायर माइनस 4q, इसका वैल्यू याद करना था, इसका वैल्यू अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं।